किचन लाइफ में आप सबका स्वागत है। आज मैं बनाने जा रही हूँ कटहल की सब्जी, जिसे आप लोग देखिए मैं किस तरह से बना रही हूँ। तो सबसे पहले मैं डालती हूँ सरसों का तेल। इसमें मैं तेज़पत्ता, लहसुन की 2-4 कलियाँ और लाल मिर्च डाल दी हूँ। उसके बाद मैं इसमें प्याज को डालूँगी। प्याज डालने के बाद इसे मैं भूनूँगी प्याज को। फिर प्याज भूनने के बाद फिर से मैं इसमें कटहल डाल देती हूँ। कटहल डालने के बाद मैं इसे अच्छी तरह से चलाऊंगी और कटहल और प्याज को एक साथ फ्राई होने दूंगी। अब इसको चलाने के बाद मैं कुछ देर के लिए ढक्कन लगा के छोड़ देती हूँ। कटहल को डालने के बाद फिर से मैं इसको चलाऊंगी और इसे हमें कुछ देर से ऐसे चलाते रहना है। इसको ब्राउन होने तक हम भूनेंगे। कटहल और प्याज ब्राउन हो चुका है और इसमें मैं अपने मसाले ऐड करूंगी, जिसमें मैंने धनिया, जीरा, लहसुन, मिर्च, हरी मिर्च और प्याज पीस रखी थी। इसको मैं डालूंगी। सारे मसाले डालने के बाद मैं इसमें फिर से डालूंगी हल्दी पाउडर 1 चम्मच के करीब। इसमें हम डालेंगे नमक स्वादानुसार 1.5 से 2 चम्मच और 1 चम्मच के करीब हम डालेंगे इसमें गोल्डी मसाला, लाल मिर्च पाउडर 1/2 चम्मच के करीब, क्योंकि पहले से भी हमने इसमें मिर्ची पीस रखा है तो इसके अनुसार हम थोड़ी मिर्ची पाउडर डालते हैं। और इन सारे मसालों को डालने के बाद मैं इसे अच्छी प्रकार से मिलाती हूँ और इसे हमें यूं ही चलाते रहना है ताकि सारे मसाले कटहल में मिक्स हो जाए। कुछ देर हम यूं ही चलाएंगे। आप देख सकते हैं कि कटहल में मसाला चारों तरफ मिक्स हो चुका है और इसमें मैं पहले से जो गरम मसाले पीस के रखी थी इसको मैं ऐड करूंगी। आप चाहें तो बाकी मसालों के साथ भी इसे पीस सकती हैं, लेकिन मैं इसको अलग से ही पीस रखी थी। इसमें ऐड करने के बाद मैं गरम मसालों को भी चलाऊंगी, इसमें मिला दूंगी अच्छी प्रकार से। सारे मसाले मिक्स होने के बाद हम इसमें थोड़ा पानी डालेंगे और थोड़ा पानी डालते हुए फिर वापस हमें इसे चलाना है। इसे चलाने के बाद हम इसे कुछ देर के लिए ढक्कन लगा के ये छोड़ के पकाएंगे क्योंकि मसाले इसके पक जाए। जैसा कि आप देख सकती हैं मसाले पक चुके हैं कटहल में और हम 5 से 6 कलियाँ डालेंगे इसमें। आप चाहें तो डालिए, नहीं तो इसको अवॉइड कीजिए और इसको इस तरह से हम मिला देंगे। मसाले हमारे पक चुके हैं, इसमें हम पानी को ऐड करते हैं। आप अपनी आवश्यकता अनुसार पानी डालिए।
ज़्यादा पतली नहीं होनी चाहिए, गाढ़ी चाहिए। और इसको हम मिला के अच्छी तरह से 3 से 4 सीटी लगने तक इसको पकने देंगे मीडियम आंच पे। देखिए हमारा कटहल कितना अच्छा दिख रहा है। देखिए मेरा 3 से 4 सीटी लगने के बाद मेरा कटहल काफ़ी अच्छी तरह से पक चुका है और देखिए कितना अच्छा दिख रहा है। यदि आप लोग भी इस तरह का कटहल बनाती हैं तो आपका भी कटहल काफ़ी स्वादिष्ट बनेगा और खाने में भी काफ़ी टेस्टी लगेगा। तो आप भी इस तरह से कटहल बनाइए। और यदि मेरा वीडियो आप लोगों को पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।